नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देसी इलेक्ट्रॉनिक। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक गजब चीज बनाया, बहुत सारे इमरजेंसी लाइट मैंने बना के दिया हूँ वीडियो। अच्छा, आप सभी को काफी पसंद आया, सारे इमरजेंसी लाइट का वीडियो जो है काफी पसंद आया। चल झूठा। बट कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सोलर लाइट, तो यहाँ पे जो है ये सोलर लाइट है, इसमें अभी भी इंडिकेटर थोड़ा बहुत जो है जल रहा है। इसमें जो दो फैंसन है, एक जो है ब्लू लाइट, आपको थोड़ा बहुत मेरे फेस पर जो है पड़ रहा होगा ब्लू लाइट, वो देख पा रहे होंगे। ये नाइट लैंप है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ब्राइटनेस वाला लाइट है जो कि काफी ब्राइटनेस है और ये काफी मजेदार भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सोलर से चार्ज कर सकते हैं, यानी फ्री एनर्जी पूरे ही है। क्या बोला तूने? मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, यानी फ्री एनर्जी पूरे ही है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये जान जाएगा कि बनाया कैसे गया है, बहुत ही काम किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ बनाने के लिए आपको जो है सीट का टुकड़ा लेना पड़ेगा। मैंने एक प्लास्टिक सीट के टुकड़े में से कट कर लिया हूँ, जो डायमेंशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। फेविक्विक की मदद से इसे जो चिपका देना होगा, सिंपली चिपकाना बहुत ही आसान होता है। फेविक्विक दीजिए, उसमें आसानी से चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सोलर लेना होगा। सोलर लाइट जो है आपको ये मार्केट में इजीली 30 रुपया से 40 रुपया में मिल जाता है, छोटा वाला। इसमें जो है सोल्डिंग कर दीजिए, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में सोल्डिंग कर दीजिए, सिंपली हो जाता है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो है सिंपली होल करके इसको चिपका देना होगा। चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है दिख रहा होगा। उसके बाद जो है सिंपली क्या करना होगा, मशीन वगैरह वगैरह लगाना हो। तो यहाँ मैं बैटरी ले रहा हूँ, 1500 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की है। तो माइनस पे मैंने जोड़ दिया हूँ तार और प्लस पे भी तार जोड़ दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ माइनस प्लस पे तार जोड़ा हुआ है, इसमें चिपका दिया हूँ। उसके बाद जो है सिंपली उसका ऊपर वाला ढक्कन पे ये बल्ब सेट करना पड़ेगा। ये LED बल्ब है, इसका DOB कहा जाता है। ये 15 रुपये मार्केट में मिल जाता है। इसमें जो दो फैंसन रहता है, एक ब्लू बल्ब भी रहता है साथ में, आप जो कलर का लीजिएगा मिल जाएगा। एक जो है लाइट बल्ब भी रहेगा, व्हाइट बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने चिपका दिया इसको, और चिपकाने के बाद इसमें से तीन तार निकालने होंगे, ठीक है। तीन तार इजीली निकाल सकते हैं, दो प्लस में एक माइनस का इसमें से निकालना पड़ता है। तो आप देख पाओगे मैंने तीन सोल्डिंग इसमें कर रहा हूँ, दो जो है प्लस का है और एक जो है माइनस का है। सिंपली इसमें सोल्डिंग करना होता है। यहाँ पर जो सिंपली आपको दिख रहा होगा जो कि रेड और पीला कलर का जो है वो प्लस है और हरा कलर जो है माइनस है, इसमें तीन तार, ठीक है। देख लिए सिंपल कनेक्शन है उसके। ये देख पाओगे ये जो है वॉल्यूम स्विच है, वॉल्यूम स्विच इसमें लगाना है, आसानी से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हॉल करके इसको जो है लगा देता हूँ। तो सिंपली पहले वॉल्यूम स्विच का कनेक्शन आपको बता दे, कनेक्शन आसान रहता है। एक जो है यहाँ पे जो है आप देख पाओगे बैटरी से आया और एक जो है लाइट से आया है। वॉल्यूम स्विच का कंप्लीट काम हो गया, इसको चिपका देते हैं। सिंपली ये चिपका दिया हूँ। उसके बाद जो ये देख पा रहे हो पुश स्विच है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। इसे जो है ब्लू बल्ब के लिए लगाएंगे, जो कि नाइट बल्ब रहता है, नाइट में लगा के सो सकते हैं, तो उसके लिए ये स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हॉल करके उस पर जो है देख के चिपका सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टिप के दिखा दूँ आपको, सिंपली टिप के समझ सकते हैं ऐसे होता है। उसके बाद जो सिंपली इस पर सोल्डिंग किए हैं, कौन कौन तार किए हैं आपको बता दें, एक प्लस का किए हैं, ठीक है, और एक जो है पीला वाला जो लाइट में से आया था जो कि प्लस में लाइट में बताए थे वो किए हैं। मतलब दो कनेक्शन इसमें हुआ है, आप देख पा रहे हो, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। मैंने हर एक कलर का तार इसमें लगाए हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको, पीला वाला जो बल्ब था देख पा रहा हूँ यहाँ जलने लगा। उसके बाद पुराना आपके घर में बल्ब होगा उसका डिफ्यूजर चाहिए, यानी व्हाइट वाला जो डिफ्यूजर ऊपर वाला होता है वो डिफ्यूजर चाहिए, जो कि आप चिपका दीजिए, ईजिली चिपक जाता है, ठीक है। फेविक्विक से सारा चीज़ चिपक जाएगा, आपको कोई भी जो है दूसरे गम का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आपको एक RGB लाइट चाहिए, उसके बाद जो है चार्जिंग सॉकेट चाहिए, उसके बाद जो है डायवर्ड एक चाहिए, उसके बाद जो है आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए, ये सभी चाहिए। आपका सभी का मॉडल का जो है डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है आपको सभी को सेट कर देना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पर जो है सिंपली मैंने चार्जिंग का जैक सेट कर दिया हूँ। उसके बाद जो है आगे वाला जो है एक LED सेट कर देंगे उसी बगल में, जिससे इंडिकेटर पता चले कि ये इंडिकेट कर रहा है या नहीं। कनेक्शन आसान है, आपको डायबोर्ड को जो है चमकी कलर देख पा रहे, चमकी कलर जो है आपको बैटरी तरफ लगाना, जो कि बैटरी का कनेक्शन कहाँ पे आया हुआ है, तो बैटरी के जो वॉल्यूम पे आया है तो वॉल्यूम पे ही आपको लगा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है कनेक्शन देख पा रहे, मैंने बैटरी से दिया हूँ, उसके बाद जो है एक जो दिया हूँ चार्जिंग के जैक पे, उसके बाद जो है दूसरा जो है यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस का भी कनेक्शन, सिंपली है, सारा चीज़ का कनेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देख पा रहे मैंने सारा चीज़ आसानी से किया हूँ, जिससे आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो, क्लियर दिख रहा होगा आपको सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, आप देख के कर लीजिए सिंपली, ठीक है, देख के कर लीजिए सिंपली, नहीं तो आपको डायग्राम में जो है देखने को मिल रहा होगा।
यहाँ पे सारा कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिंपली बहुत ही अच्छे से कनेक्शन मैंने किया हूँ, आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आता लेकिन समझ में आ गया होगा, आसान कनेक्शन है ठीक है। उसके बाद इसका जो है पैक कर देते हैं, ऊपर वाला ढक्कन जो है जिसमें बल्ब लगाए थे पैक कर दीजिए, लगा के आसानी से फेविक्विक की मदद से पैक कर दीजिए। उसके बाद जो है सिंपली करना क्या होगा आपको, सरेस पेपर की मदद से इसे जो है घसना होगा, सरेस पेपर हो या रेती हो आराम से घस दीजिए। देख पा रहा हूँ कहीं कहीं निकला हुआ है तो उसको घस के मैंने बराबर करना है, तो चलिए घस लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है कुछ इस प्रकार से, काफ़ी अमेजिंग तरीके से कंप्लीट हुआ है, ये देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इसकी ब्राइटनेस आप सबको दिखा दे, काफ़ी अमेजिंग टाइप का इसका ब्राइटनेस भी है, चलिए ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दो कलर का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, दोनों ही कलर का ब्राइटनेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ब्लू लाइट मैंने जला दिया, यहाँ पे जो पुश स्विच था उसको टिपने के बाद आप जो है ब्लू लाइट का जो है मजा ले सकते हैं, कहीं भी नाइट में आप इसे जला के छोड़ सकते हैं या फिर आप नाइट में सोते वक्त इसे जला सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब ब्लू जलता है। उसके बाद चलिए लाइट की टेस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ पे लाइट की टेस्टिंग भी आसानी से, तो इसमें वॉल्यूम के हिसाब से आपको दिया गया है, तो ये जो है एक वॉल्यूम मैंने दिया इतना ब्राइटनेस है, दो वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, और तीसरे में जो है थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है ब्राइटनेस, चौथे में भी ब्राइटनेस, पांचवें में और छठे में पूरे ही फुल हो जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग इसका जो है लाइट है, मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छा जो है लाइट भी है इसका, और बैटरी जो है 2 से 3 घंटा टिक जाता है, जो कि अच्छा खासा इसका ब्राइटनेस और बैटरी भी अच्छा खासा जो है चल जाता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, इजीली मैं हमेशा जवाब देता रहता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।